शाहजहांपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कवरेज के लिए मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें, शाहजहांपुर में एक बार फिर एक दरिंदे द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वही घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। दरअसल घटना स्थल कटरा क्षेत्र के एक गांव की है, जहां जानकारी के मुताबिक 8 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस का रहने वाला युवक मौका पाते ही बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया। उसके बाद उस बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दे डाला। घटना के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गया, वहीं गंभीर हालत में बच्ची पड़ी तड़पती रही, जहां मौके पर परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल भी मौके पर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, जहां एसपी ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के घटना के बारे में जानकारी की, जहां पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी आईएम कटरा थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल थाना कटरा क्षेत्र में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने देखा अर्पणा गौतम एसपी ग्रामीण ने क्या बताया कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले को पंजीकृत भी कर लिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर बने इस महिला अस्पताल के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सिर्फ इतनी जिम्मेदारी दी थी कि अगर कोई भी मीडिया कर्मी कवरेज करने आए तो उसको प्रवेश ना दिया जाए। मीडिया कर्मियों पर पाबंदी इसलिए भी लगाई गई थी कि पीड़िता के परिवार से मीडिया कर्मी ना मिल सके और घटना के बारे में सही जानकारी ना ले सके। इस पाबंदी से एक बात तो साफ है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ही ऐसी खबरों पर कवरेज करने से रोक लगा दी जाती है, ताकि घटना को दबाया जा सके। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन वैसी दरिंदों के खिलाफ चाहे जितनी कड़े से कड़े कानून लगा दिए जाएं, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस और प्रशासन को सख्त करेगा, तब तक ऐसे ही मासूमों के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटनाओं को या दरिंदे अंजाम देते रहेंगे। ज़्यादातर घटनाएं पुलिस की ढिलाई और घटनाओं को दबाने की वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।